चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम मोतीचूर के लड्डू, बिना झारे से, बिना बेसन से। लड्डू बनाने की सामग्री: चना दाल भिगी हुई, घी, शक्कर, काजू। फूड कलर: एक कटोरी दाल जिसे हमने 7 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ रखा था, अब उसे अच्छे से धोकर हमें मिक्सी जार में इसे पीसना है। एक छन्नी से सारा पानी हमने निकाल लिया है, इसे पीसने जा रहे हैं। हमने मिक्सर का छोटा जार लिया है, इसे बिना पानी के पीसना है। इसे लगातार ना पीसकर धीरे धीरे पीसना है। हमारी दाल पीस चुकी है, अब इसकी हम छोटी छोटी सी पकौड़ियां बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा डाल के हम इसको चेक करते हैं। हमारा घी गर्म अच्छे से हो चुका है। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम छोटी छोटी पकौड़ियां डालेंगे। पकौड़ियों को मध्यम आंच में सोंधी सोंधी तलना है, ताकि वो पकौड़ियाँ कच्ची अंदर से ना रह जाए, अच्छे से पक जाए। पकौड़ियाँ हल्की सुनहरी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारी पकौड़ियाँ बनानी है। हमने सारी पकौड़ियों को तल लिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। हमारी पकौड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें से हम एक पकौड़ी में से 3-4 टुकड़े करके छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर हम इसे मिक्सर जार में पीसेंगे। पकौड़ी अब ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी पीसेंगे। लगातार नहीं चलाना है, रोक रोक के मिक्सर जार चलाना है। हमारी दाल की पकौड़ी पिसकर अब तैयार है। देखो कितनी अच्छे से पिसाई हुई है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। अब हम दाल का नाप लेंगे। जिस बर्तन से आप पिसी हुई पकौड़ियाँ नापोगे, उसी बर्तन से आपको शक्कर भी नापना है। 3 कटोरी पिसी हुई पकौड़ियों में मैं 1 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। आप अगर चाहे तो ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे मीठा इतना ही पसंद है, इसलिए मैं इतना ही लूंगी। मैंने 1 कटोरी चीनी में 1/2 कटोरी पानी डाला है। मैंने 1/2 कप पानी डाला हुआ है इसे। अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो इसे बहुत देर तक चलाना पड़ेगा। हमारी चाशनी अच्छे से घुल चुकी है, अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा कलर से डालेंगे। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। हम थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से देखेंगे कि अपनी चाशनी हुई है या नहीं। ठंडा हो चुका है, अब इसे देखेंगे। हमारी चाशनी हो चुकी है। मध्यम आंच में अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरा डाल देंगे और अच्छे से इसे हिलाएंगे। जरा हिलाएंगे ताकि चाशनी को सोख ले, हमारे लड्डू अच्छे से बने। मध्यम आंच में इसे अच्छे से अब हम गैस को बंद करके 5 से 10 मिनट इसे यूं ही हिलाएंगे। अब हमारा ये सूखा हो चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब मैं यहाँ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक चम्मच घी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इससे लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मिश्रण अब थोड़ा थोड़ा गर्म है तो मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी ताकि ठंडे में ये मिलेगा नहीं। अब इसी मिश्रण से हम इसके लड्डू बनाएंगे, जैसे आपको चाहिए छोटे बड़े जिस साइज में आप बनाना चाहते हो इस साइज में बना सकते हो। मैंने आपको जितना चीनी और पानी का मिश्रण बताया है उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। एक कटोरी दाल से हमारे कितने सारे लड्डू बन चुके हैं, दिख रहे हैं ना मार्केट जैसे मोतीचूर के लड्डू। लड्डू कितना अच्छा बना है, जैसे मार्केट के जैसे बना हुआ है, ये देखिए बिना बूंदी बिना झारे बिना बेसन से चूर के लड्डू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।